हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कि कैसे हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट असेस का डेटाबेस है उसमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ असेस डेटा सोर्स कंट्रोल जो हमारे पास ASP.NET में अवेलेबल है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कितने इजी वे के साथ विदाउट एनी कोडिंग आप जो है डिलीशन वाला ऑपरेशन जो है डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो डेटा आप देख रहे हैं सारा असेस के डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है। तो ये ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू के अंदर मैंने जो है ये बटन्स क्रिएट किए हुए हैं डिलीशन के लिए। तो चलिए किसी रो को डिलीट करके देख लेते हैं। जैसे 110 वाली रो है, इसके डिलीट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर जो रो है वो डेटाबेस में से भी डिलीट हो चुकी है और मेरे ग्रिड व्यू को भी अपडेट कर दिया है पर्टिकुलर कोडिंग ने। तो किसी और रो को डिलीट करके देख लेते हैं। जैसे 114 है, इसको जैसे ही मैंने डिलीट किया तो देख सकते हैं 111 जो 4 वाला कस्टमर आईडी है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब है वो डिलीट हो चुका है। तो ये आज की हमारी एग्जांपल है। तो चलिए इसको डेवलप करके देखते हैं कैसे हमने जो ये वाली एग्जांपल जो है डेवलप करनी है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपना आज का जो प्रोजेक्ट है एग्जांपल है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू और एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोकेशन असाइन करेंगे। तो मैं किसी फोल्डर का नेम लिख देता हूँ जो फोल्डर ये क्रिएट करेगा। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट था अपडेट डेटा, सॉरी डिलीट डेटा सेस डेटाबेस। और यहाँ भी अपनी एप्लीकेशन का नेम लिख देते हैं डिलीट डेटा। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं। और चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, और अपने सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं माउस से और यहाँ पे ऐड और यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू आइटम। और अब हमने करना क्या है, एक नया वेब फॉर्म ऐड करना है, ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करना है। तो वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जो वेब फॉर्म है उसका जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली लिख देता हूँ डिलीट डेटा। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं और इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए मेरा जो नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के अंदर आपका कर्सर जो ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ पे हम टूल बॉक्स में से लेबल टूल को, जो लेबल कंट्रोल है उसको ऐड कर देंगे। तो लेबल कंट्रोल के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा जो कंट्रोल है वो वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। और अब हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ चेंजेस करनी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे मैं लिखूँगा हरीति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो आप जो ये वाली टेक्स्ट है जो हरीति स्टडी हब की जगह पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अब मैं डायरेक्टली जो है अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिख देता हूँ डिलीट डेटा फ्रॉम असेस डेटाबेस यूजिंग असेस डेटा सोर्स कंट्रोल इन ASP.NET।
तो सबसे पहले अब हमने टूल बॉक्स में से एक टूल यूज़ करना है, कंट्रोल यूज़ करना है, वो है ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो अभी ग्रिड व्यू को मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमने असेस डेटा सोर्स कंट्रोल को यूज़ करना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो सारी जो कनेक्टिविटी हमारे असेस के डेटाबेस के साथ होनी है वो इसी कंट्रोल से होनी है, असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस जो है असेस के अंदर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप भी बड़े इजी वे के साथ जो है असेस का डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा असेस का डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस, और इसके अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसका नेम है कस्टमर डिटेल। तो इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये डिज़ाइन के अंदर मेरे पास चार कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डिलीट और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने असेस के डेटाबेस के ऊपर, तो आपको कोई ना कोई ऐसा कॉलम ज़रूर प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं और डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो कस्टमर आईडी को प्राइमरी की सेट किया हुआ है। प्राइमरी की से आपकी जो वैल्यू है पर्टिकुलर कॉलम की वो यूनिक हो जाएगी। तो इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी अपने टेबल कस्टमर डिटेल के अंदर जो है एंटर कर रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा डेटाबेस और जो टेबल है वो असेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ ऐप अंडरस्कोर डेटा के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड और यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम। तो अब हम जो है अपना वो वाला डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे जो हमने असेस के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है अपना डेटाबेस। तो ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटाबेस है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। तो अब हमने जो है असेस डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स और बाद में ब्राउज़, और जहाँ से अपना वो डेटाबेस वाला फोल्डर और डेटाबेस को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और अब नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल का नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल था। तो इस ऑप्शन यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिलीट के लिए ऑप्शन है वो है एडवांस्ड में जाना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है और बाद में नेक्स्ट, और फिर अगर टेस्ट क्वेरी करना चाहते हैं तो टेस्ट क्वेरी कर सकते हैं और फिनिश। तो ये मेरा असेस डेटा सोर्स है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब चलिए ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और पहला जो स्टेप है वो है ऑटो फॉर्मेट। तो आप कोई भी एक बना बनाया फॉर्मेट जो है यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रिड व्यू की अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्राउन शुगर, इसको अप्लाई कर देता हूँ ओके। और अब हमने जो डेटा सोर्स है वो सिलेक्ट करना है असेस डेटा सोर्स वन। तो ये जो असेस डेटा सोर्स वन है ये अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो अब हमने जो ऑप्शन इनेबल करनी है वो करनी है इनेबल डिलीटिंग, तो इससे हमारे पास डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। अब हमने एडिट कॉलम्स में जाना है और यहाँ पे जो डिलीट है इसको लास्ट कॉलम नंबर पे ले जाना है। और अब हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करना है और इसके हेडर टेक्स्ट को बढ़िया सा लिख देना है अपने अकॉर्डिंगली। इसका भी हेडर टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं, कस्टमर नेम, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम का नेम होता है, अब हम इसको हेडर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं अपने नेम के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और अगर इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं बटन टाइप तो आप बटन भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। तो मैं अभी लिंक ही रहने देता हूँ, यहाँ मैं बटन लिंक तो पहले ही है बटन करके आपको दिखा देता हूँ। अब हमने जो है इन कॉलम्स को सेंटर्ड अलाइनमेंट, इनकी जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड करनी है। तो सभी को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे
और इनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर्ड कर देंगे। और लास्ट वाले को भी हम सेंटर्ड कर देते हैं। चलिए इसको ओके कर देते हैं। अब अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो डिलीट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल स्टाइल के ऊपर जाएंगे और बैक कलर जो है मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बटन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो पूरी हो चुकी है। तो अब हमने थोड़ी सी जो है एक कोडिंग करनी है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सोर्स कोड में जाइए और यहाँ पे डिलीट वाली जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। तो डिलीट के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमने लिखना है ऐट द रेट और उसके बाद में ये वाला जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके इसको अपने जो है ऐट द रेट के साथ असाइन कर देना है। और इस वाली जो टेक्स्ट है या कोडिंग है इसको डिलीट कर देना है क्योंकि हमें सिंपल कोडिंग चाहिए। तो एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ राउंड ब्रैकेट। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर डिटेल वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू एट द रेट कस्टमर आईडी। जो हमारी कस्टमर आईडी है वो यहाँ से आएगी कस्टमर आईडी से। तो बस इतना आपने चेंजेस करनी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और चलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी है, इसको रन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए इसको किसी एक रो को डिलीट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ 115 को। तो जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो लास्ट वाली रो थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से 103 को मैं डिलीट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही 103 के ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो मेरी रो जो है पर्टिकुलर रो जो है डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है असेस डेटा सोर्स कंट्रोल को यूज़ करके अपना जो डेटाबेस है असेस का उसमें डिलीशन वाला ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।